आपने बोला 30% से धंधे बढ़ेंगे, 75% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। चलो देखते क्या हुए, कितने से धंधे बढ़े देखो, आए ना ये फाइनेंशियल 23 मैंने अपडेट कर दिया, 33% से धंधे बढ़े। अगेन आपने सोचा वैसा हुआ कि नहीं, तो आपके एस्टिमेट सही आ रहे हैं, क्यों दूसरों के एस्टिमेट देखने के, जरूर है क्या किसी के एस्टिमेट देखने की? किसी का सुनो नहीं, अपना डेटा अपने आप करो और खुद के साथ रहो। आपके एस्टिमेट थे और देखो 33% से धंधे बढ़े, 112% से प्रॉफिट बढ़े। आपने प्रॉफिट कितने सोचे थे? 75%, राइट? सो या इट्स गुड, आपने उम्मीद किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट आए, मार्जिन सुधर के आए, देख रहे हो आप 7%। तो ये मार्जिन का सुधार क्यों दिख रहा है आपको हर जगह पे? क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन डाउन हुआ, मार्जिन सुधरे, मार्जिन सुधरे, प्रॉफिट सुधरेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या था इंडिया में? प्रॉफिट ही तो प्रॉब्लम था, सेल्स तो अच्छे ही थे, है ना? अभी जीएसटी कितना बढ़ के आया, प्रॉफिट नहीं थे आपकी कंपनियों के जो सुधर के आ रहे। तो मारुति या तल क्या उम्मीद रख रहे? 20% से धंधे बढ़ेंगे ये साल, और ये साल 20% से धंधे बढ़ेंगे पर प्रॉफिट उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे, 50% से उम्मीद रख रहे, मार्जिन 8.7% आए। सी व्हाट इज पेग रेशियो, बिल्कुल फेवरेबल है दोस्त, है कि नहीं? आपका 30% से धंधे बढ़ रहे और पी आपका 30 का ही है, तो ये तो बिल्कुल बैलेंस है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने की, क्योंकि ये प्रॉपर वैल्यूएशंस पे है। आपने उस समय चार्ट में क्या बनाया था देखने दो मेरे को, सी करेक्शन में था, टूट रहा था, कितना बुरा समय था, लोग टेंशन में थे, और अभी दिस इज मारुति, क्या हमने उम्मीद किया है? लोअर लेवल पे आता है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का, लेने का माल, अभी भी करेक्शन में ही है, एसआईपी कंटिन्यू रखने की उम्मीद क्या करेंगे? 16,000 का टारगेट रखने का, 16,000, वाई ये कैसे आएगा? अगेन यस, नेक्स्ट वीक चैप्टर है, लेकिन इधर से भी तो आपको पता चलना चाहिए क्यों नहीं आएगा। आपके सेल्स बढ़ रहे, ये साल आप लाइफ टाइम हाई धंधे उम्मीद करोगे। देखो कितने समय से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे थे ऑटो के, गाड़ियां बिकी नहीं रही थी, लास्ट ईयर पहली बार अगेन वॉल्यूम बढ़े, देख रहे हो आप, 18 लाख गाड़ियां बिकी थी 2019 में, उसके बाद कभी उतनी बिकी ही नहीं। ये पहला साल है जब करीबन 20 लाख गाड़ियां बिकी लास्ट ईयर, तो गाड़ियां लाइफ टाइम हाई आ गई, सेल्स लाइफ टाइम हाई आ गया ना, प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हाई आ गए। अब एक ही चीज लाइफ टाइम हाई बाकी है, क्या? मारुति का भाव, तो उम्मीद करो या। और हमने इसीलिए तो वेटेज बढ़ा दिया, अभी तक हम कितना वेटेज कहते थे? 2%, अभी कितना कर दिया, अब हम लोग कहते हैं 2.5% वेटेज रखो भाई, क्यों? दोनों है, देखो ग्रोथ भी है और वैल्यू बाइंग है कि नहीं, राइट? कंप्लीट एकदम मैच कर रहा है आपका पी और ग्रोथ, तो ऐसे मौके नहीं गवाने के दोस्तों। यस वी कैन गो विथ मारुति, क्लियर? आपको चार्ट से ही पता चल जाना चाहिए ये क्यों हो रहा है। पहले चलता था, क्यों चलता था? क्योंकि धंधे इनके जबरदस्त बढ़ते थे, इसको रैली बोलते हैं। अब रैली नहीं होगी तो क्या होगा? आपके सेल्स देखो कैसे बढ़ते जा रहे थे, वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ रहे थे, 2010 में 10 लाख गाड़ी 18 लाख गाड़ियों पे पहुंच गए थे, पर 2019 से गाड़ियां बिकनी बंद हो गई, है ना, कम हो गई, तो आपका मारुति भी तो करेक्शन में आ गया। तो ये करेक्शन में क्यों था? प्रॉब्लम था। अभी क्या है? नो प्रॉब्लम, तो क्या होगा? रैली, इज एज सिंपल एज दैट। पर लोगों को अभी याद नहीं आएंगे शेयर लेने के, कब याद आएंगे? अभी करेक्शन है, ये जब चलेगा तब सब इसके पीछे दौड़ेंगे, तब अपने को साइड में हो जाने का, तब कुछ नहीं करने का बाजार में। बराबर, मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से अलग अलग रिजल्ट अपडेट करते जाएंगे, और अगर इसी प्रकार से रिजल्ट अपडेट करेंगे तो आपको अपने काम पे हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, किसी को दोस्तों आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, दोस्तों ऐसी कंपनियों में रैली आपको लंबे समय तक की जबरदस्त मिलेगी। डिस्क्लोजर, दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।